हे प्लांट हॉलिक्स वेलकम बैक टू माई चैनल होप यू आर डूइंग वेल फ्रेंड्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ सुपर फूड दैट हैज मैनी मेडिसिनल बेनिफिट्स कॉल्ड टर्मरिक तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं इस प्लांट के बारे में दिस प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडियन सेफ्रन और हल्दी और करकुमा और हरिद्रा तो इट हैज़ सो मैनी नेम्स तो फ्रेंड्स नॉर्दर्न इंडिया में तो इसे हल्दी के नाम से जाना जाता है कई जगह हरिद्रा भी बोला जाता है एंड फ्रेंड्स दिस प्लांट इज़ पेरनियल बाय नेचर तो सालों साल आपके पास बना रहेगा और जैसे ही फ्रेंड्स इसका जो टाइम होता हार्वेस्टिंग के बाद तो आप अगेन इसको लगा सकते हो तो ये प्लांट एक पेरनीयल प्लांट है या फिर आप इसे एनअल भी कह सकते हो कि जब एक बार इसका हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद आप दोबारा से फिर इसको लगा सकते हो अगर आप ट्रॉपिकल रीजन रहते हो या ऐसी पे रहते हो जहाँ पे थोड़ा सा नेटिव इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एंड साउथ ईस्ट एशिया का तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हमें इस प्लांट की केयर कैसे करनी है तो सबसे पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा इस प्लांट के बारे में मैं आपको और बता दूँ कि टर्मरिक बेसिकली एक फ्लॉरिंग प्लांट होता है इसमें फ्रेंड्स अभी मुझे लगाए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस प्लांट में थोड़े टाइम के बाद इसमें फ्लॉरिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगी और ये जिंजर फैमिली को बिलोंग करता है और आप इसको लगा बहुत आसानी से सकते हैं उसके जो राइजोम्स होते हैं फ्रेंड्स उसको जस्ट आपको थोड़ा सा रूट्स टाइप का होता है जैसे आप जिंजर को देखते हो वैसे ही होता है जस्ट आपको करना यह है कि इसको फ्लैट आपको इसकी जो रूट्स होती हैं उसको मिट्टी में ऐसे रख देना है फिर एक इंच तक इसको सॉयल से कवर कर देना है दबाइएगा बिल्कुल भी नहीं उसके बाद कुछ दिन बाद ही आप देखोगे इसमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी तो इसको लगाना बहुत ही आसान होता है आप राइजोम्स के थ्रू बहुत ही आसानी से इसको लगा सकते हो अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं सनलाइट की तो आप इसे चाहो तो फुल सन में रखिए या फिर पार्शल सन में रखिए इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी अगर फ्रेंड्स आपने इसे जमीन पर लगाया जैसे कि मैंने लगाया हुआ है तो सनलाइट को लेकर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं होती वैसे भी इसे वार्म वार्मेम्परेचर पसंद है अगर आप फ्रेंड्स इसे पॉट में लगाते हो तो भी इसको ऐसी जगह पे रखिए जहां पे इसको प्रॉपर सनलाइट मिल सके और अब हम बात कर लेते हैं वाटरिंग की तो फ्रेंड्स इसको थोड़ी सी मॉइस सोइल पसंद है तो कोशिश यही करिए कि पानी आपको तभी डालना है जब आप इसकी सॉइल को चेक करिए अगर आपने इसको पॉट में लगाया है मॉइस्चर ज़रा सा भी थोड़ा सा लूज करें आप पानी डाल दीजिए और फ्रेंड्स ये देखिए इसके रूट्स कुछ आपको दिख भी रहे होंगे ऐसे करके इसी तरीके से फ्रेंड्स गांठ टाइप की होती है जो उसका राइजोम होता है अब तो थोड़ा सा ये प्लांट बड़ा हो रहा है और नीचे से ये थोड़ी थोड़ी सी दिख रही है होपफुली आपको भी दिख रही होंगी तो फ्रेंड्स इस तरीके से होता है ये देखिए और फ्रेंड्स अगर आप इसको पॉट में लगाते हो तो पानी आपको भाई मॉइस्चर जो होता है वो ज़रूर चेक करना है और ओवर वाटरिंग भी नहीं कर देनी है क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि इसमें जो राइजोम्स होते हैं उनका सड़ने का थोड़ा सा खतरा होता है तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा या ये पेस्ट अटैक को भी थोड़ा सा इन्हैंस कर सकता है ओवर वाटरिंग बस सॉइल का मॉइस्चर बना रहे ये इस बात का आपको ध्यान रखना है अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं सॉइल की तो इससे रिच ऑर्गेनिक सॉइल पसंद है तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको इसमें फोटी परसेंट आप गार्डन सॉइल ले लीजिए और फ्रेंड्स ट्वेंटी परसेंट आप इसमें सैंड ले लीजिए ट्वेंटी ही परसेंट आप इसमें गोबर की खाद है या वमी कंपोस्ट जो आपके पास अवेलेबल हो ट्वेंटी परसेंट आप फ्रेंड्स इसमें नीम खली ले लीजिए क्योंकि नीम खली अगेन एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी है पेस्टिसाइड का भी काम बहुत अच्छे से करता है फंजीसाइड का भी काम बहुत अच्छे से करता है चूंकि इसको हम राइजोम्स के थ्रू लगा रहे हैं तो इस वजह से हमने इसमें ट्वेंटी नीम खली को मिलाया है और फ्रेंड्स ये अच्छा सा पॉटिंग मिक्सर बन जाएगा अगर आप इसको पॉट में लगा रहे तो आप इसको इस तरीके से लगा सकते हो अब हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स की चूँकि ये एक हैवी फीडर है तो इसको वंस इन अ मंथ आप ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो दे सकते हो आप इसे ऑर्गेनिक मन्योर दे सकते हो कम्पोज दे दीजिए टी कम्पोज है या फिर गोबर की जो सड़ी खाद है वो दे दीजिए तो वो बहुत अच्छा है इस प्लांट की ग्रोथ के लिए और फ्रेंड्स ये प्लांट प्रूनिंग नहीं मांगता मांगता तो नहीं है रिक्वायर्ड भी नहीं है क्योंकि इसमें फ्लारिंग होगी आपको इसकी रूट्स से मतलब है, तो कोई जरूरत नहीं है करने की हाँ पेस्ट अटैक थोड़ा सा कॉमन सा होता है जैसे रेड स्पाइडर माइट्स का अटैक होना इसमें कॉमन होता है स्केल्स का अटैक होना कॉमन होता है तो नीम ऑयल का आप रेगुलरली स्प्रे करोगे तो इस प्रॉब्लम से जो पेस्ट अटैक की अपने अपने प्लांट को बचा ले जा सकते हो और हार्वेस्टिंग के लिए फ्रेंड्स आठ से दस महीने का लग सकता है और आपको तब भी पता चलेगा जब इसकी जो रू जो लीव्स होंगी वो थोड़ी सी सूखना शुरू होंगी ये येलो कलर के आपको दिखने लगे या स्टेम जो होगी वो ड्राई आउट होने लगे तो आप इसकी हार्वेस्टिंग कर लीजिए और फ्रेंड्स इसके तो एन नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स हैं जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी से भरपूर है और अल्जाइमर डिजीज uh, के uh, लिए ये एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है बहुत सारे कैंसर से बचाता है तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा होप यू लाइक द वीडियो थैंक यू सो मच